बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ट्रेंड। आई एम डॉक्टर जी। सो आज की वीडियो बेसिकली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो क्रिप्टो करेंसी में आना चाहते हैं और जिनको बिल्कुल ABC भी क्रिप्टो करेंसी की नहीं पता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिगिन विद माय वीडियो। मैं अपना जल्दी से अपना पोर्टफोलियो में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। सो बेसिकली इन माय पोर्टफोलियो मैंने क्रिप्टो करेंसी जो ट्रेडिंग है वो पिछले 2-3 महीने पहले ही स्टार्ट की। दिस इज़ माई USD ट्रांजेक्शन जो मैंने अकाउंट खरीदे, जो मैंने बेसिकली USD परचेज़ की, और परचेज़ करने के बाद तकरीबन अगर आप इसमें सम अप देखें तो ऑलमोस्ट $2,100 थे जिसे मैंने स्टार्ट की। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखने वाला ये है कि जो मेरी बेसिक बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट थी वो अर्ली जुलाई में मैंने स्टार्ट की इसमें। एक्जैक्टली आज मैं बना रहा हूँ जो वीडियो, उस वक्त डेट है 22 अगस्त, और तकरीबन दो माह के अंदर जो मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की थी $2,200 की, इसमें ऑलरेडी मेरा जो पोर्टफोलियो अगर आप करंटली इस वक्त देख रहे हैं तो वो $3,258 हैं, जो ऑलमोस्ट $1,335 में ऑलरेडी क्रिप्टो में बना चुका हूँ। सो काफ़ी लोग हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि जी क्रिप्टो हमने स्टार्ट कैसे करनी है, या क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उनको सिर्फ पता है बिटकॉइन। सो इस वीडियो में मैं बात करना चाह रहा था कि जो लोग ज़ीरो हैं इनका नॉलेज, तो उनको मैं कैसे स्क्रैच से लेके चलूं और एडवांस लेवल तक उनको मैं बताऊं कि इस पर क्रिप्टो करेंसी है क्या और इस पर करना क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी स्टार्ट इन, इसमें इस्लामिक और लीगल रेगुलेशंस आप इसमें देख लें कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज्ड नहीं है। ठीक है, लीगलाइज्ड नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि ये इलीगल है, ये एक बड़ा डिफरेंस है। बैंड एक चीज़ जो बैन होती है उसमें होता है कि वो इलीगल है, लेकिन पाकिस्तान में लीगलाइज नहीं है, इसका ये मतलब है कि ये आप इसको कर सकते हैं अगर आप किसी फॉरेनर अकाउंट से या किसी और तरीके से आप इसको कर रहे हैं। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुफ्ती मानिक है, उनका इसमें वर्डिक्ट यूट्यूब में पड़ा हुआ है जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है, अपनी एक वीडियो में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी इस्लाम के मुताबिक भी हराम नहीं है। बट डेफिनेटली आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट मोर ऑन दिस इस्लामिक वर्डिक्ट अबाउट क्रिप्टो करेंसी, आप लोग अपनी रिसर्च इसमें कर लें, बट फॉर मी आई हैव डन बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग। ओके जी, सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी एक मीडियम है जिसमें आप एक्सचेंज करते हैं डिजिटल करेंसी को, और जो डिसेंट्रलाइज्ड है। आज तक जितनी भी चीज़ें जो दुनिया में हैं वो सारी सेंट्रलाइज्ड है, मींस कि आप एक चीज़ के खुद ही ओनर हैं और उसके दूसरे एंड पे कोई और ओनर या चेक एंड बैलेंस के लिए उसको बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके जो पैसे बैंक में पड़े हुए हैं वो पैसे तो आप ही के हैं, लेकिन उसको चेक एंड बैलेंस या उस पर दे आर मेकिंग द मनी ऑन योर मनी इज़ बैंक। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा कंसेप्ट लेकर आया था कि डिसेंट्रलाइज्ड करके, जिसमें यू विल बी योर ओन बैंक, और विद टाइम विद पैसेज ऑफ द टाइम जो आपकी मनी है वो अपनी वैल्यू लूज़ कर देता है, बिकॉज गवर्नमेंट जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा नोट छाप रही होती है। तो बिटकॉइन में ऐसा नहीं है, ये एक कंट्रोल्ड डिजिटल करेंसी है, इसी तरह सारी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं, और इसमें इसकी वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती है, कम नहीं होती। मैं आगे आपको कुछ और शेयर करूँगा स्लाइड्स जिसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एनीवेज, द बिटकॉइन वॉज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी फर्स्ट आउटलाइंड इन द प्रिंसिपल बाय सतोशी नाकामोटो 2008। आज तक किसी को नहीं पता सतोशी कौन था, एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है जिसने ये एक लॉन्च किया था, जिसमें पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम का उसमें लेकर आया था कि वैल्यू ऑफ मनी आपकी उसमें रहे बिटकॉइन की, और इसने एक सिस्टम को चैलेंज किया था जो बैंकिंग सिस्टम है और जो गवर्नमेंट सिस्टम है। तो जिस वजह से अभी तक बहुत सी मुल्कों में ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसको लीगलाइज नहीं कर रहे, क्योंकि इससे आपके बैंकिंग सिस्टम है वो सब फ्लॉप हो जाएंगे और आने वाले टाइम पे डिजिटल करेंसी ही पूरी दुनिया में चलेगी। द क्रिप्टो डेट क्रिप्टो करेंसी प्रूफ कम्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन डेट आर वेरीफाइड एंड रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम कॉल्ड अ ब्लॉकचेन। सो बेसिकली ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आप बैंक में जाते हैं तो आप एक रिसिप्ट देते हैं या एक चेक देते हैं, तो वो एक चेक उसी बैंक में रहता है। लेकिन जो ब्यूटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी वो ये है कि आपके पास सिर्फ एक इंटरनेट होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, और आप अपनी ट्रांजेक्शन दुनिया के किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में बैठ के आप अपना चेक कर सकते हैं कि इसकी ट्रांजेक्शन कैसी हुई है। एंड दे हैव मल्टीपल सीरीज ऑफ चेन्स जिसको ब्लॉक चेन कहते हैं, और कहीं पर भी ये ट्रांजेक्शन चेंज नहीं हो सकती। सो इट हैज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम फ्रॉम शेयरिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके जी, बात होती है कि लोग कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में उनको सिर्फ ये पता है कि बिटकॉइन है। सो बिटकॉइन इज़ लाइक यू कैन अंडरस्टैंड इट दिस इन अ वे कि बिटकॉइन इज़ द किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी, बट बिटकॉइन
के नीचे भी बहुत सी और क्रिप्टो करेंसी हैं, जिसमें मोर देन 10,000 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज अभी इस वक्त मार्केट में पड़ी हुई हैं। और अगर आप इसकी मार्केट वैल्यू की बात करें तो इसमें एज़ पर अगस्त 18, 2021 1.9 ट्रिलियन जो USD डॉलर हैं वो इसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं, जो हाईएस्ट अप टू गए हैं वो 2.2 ट्रिलियन अकॉर्डिंग टू द कॉइन मार्केट कैप के हैं। तो देखा जाए तो इट्स अ वेरी वेरी बिग मार्केट, डेफिनेटली कंपैरेटिवली मच स्लिमर एंड शॉर्टर देन द स्टॉक मार्केट, बट डेफिनेटली आने वाले टाइम पे ये एक चैलेंज करेगी स्टॉक मार्केट को भी। नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी की टाइप्स देखना चाहते हैं तो कॉइन गीको इज़ वन ऑफ द वेबसाइट जो बड़ा अच्छा उसमें डिटेल्स दी हुई हैं। सो अगर आप कॉइन गीको में जाके देखें और इसके कैटेगरीज में जाएं आप, तो जाने के बाद आप देखेंगे एक्सचेंज बेस्ड टोकन है, DFI है, स्टेबल कॉइन्स हैं, स्टेबल कॉइन के बारे में मैं भी बात करूंगा, उसके बाद बाइनेंस स्मार्ट चेन इकोसिस्टम है, CEX है, पोलीगॉन सिस्टम है, पोलका डॉट है, एंड यू गो ऑन द लिस्ट इज़ वेरी बिग, जिसमें गेमिंग आपकी क्रिप्टो करेंसी भी आ जाती है, कैसिनो की भी स्टार्ट हो रही हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक की स्टार्ट हो रही हैं, और स्पोर्ट्स की भी स्टार्ट हो रही हैं क्रिप्टो करेंसीज जो ऑलरेडी इनफेक्ट स्टार्ट हो चुकी हैं, इंश्योरेंस की है, म्यूज़िक है, एंड गैम्बलिंग, कैसिनोज, फन टोकन, लॉट ऑफ अदर ऑप्शन। देर आर 51 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, एंड इट्सेल्फ अगर क्रिप्टो करेंसीज कितने टाइप्स की हैं तो वो 10,000 से ज़्यादा हैं टोटल इस वक्त क्रिप्टो करेंसी। एंड अगेन मैं आपको बताता जो बिटकॉइन इज़ द किंग ऑफ ऑल द क्रिप्टो करेंसी, और उसके बाद बाकी हैं। और अगर आप यहाँ पे इस वक्त देखें कॉइन गीको के डाटा के मुताबिक तकरीबन 9,000 क्रिप्टो करेंसीज हैं इस वक्त, और मार्केट कैप जो है 2.1 ट्रिलियन USD डॉलर है, और जो BTC है बिटकॉइन इसकी डोमिनेंस 42.6, एंड सेकेंड टू BTC इज इथेरियम विच इज़ 17.5%। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टेबल कॉइन और अनस्टेबल कॉइन्स क्या हैं। सो बेसिकली स्टेबल कॉइन्स अगर आप इसकी लिस्ट ही में जाके देखें, ये स्टेबल कॉइन की लिस्ट दी हुई है, इसको आप अगर क्लिक करें तो दे विल अगेन शो यू द स्टेबल कॉइन्स। सो स्टेबल कॉइन मीन्स वन स्टेबल कॉइन इज इक्वल टू 1 USD डॉलर, या फिर जो भी आपकी करेंसी के साथ आप उसको कंपेयर करना चाहते हैं तो वो उसके साथ स्टेबल ही रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आज जो USD डॉलर है 167 के, और कल को अगर ये 200 पे चला जाता है या 250 पे चला जाता है, तो आपका जो स्टेबल कॉइन है उसकी भी प्राइस ऑटोमेटिकली उतनी ही बढ़ जाएगी। और बेसिकली जो आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं वो आप स्टेबल कॉइन्स में ही करते हैं। अगर आप स्टेबल कॉइन में देखें द मोस्ट कॉमन विच द पीपल दे आर यूजिंग इज थीटर USDT एंड USD कॉइन है, बाइनेंस USD है, और बाकी भी काफ़ी ज़्यादा और डिफरेंट किस्म के स्टेबल कॉइन्स हैं, बट द मोस्ट कॉमन द फेमस आर टॉप 3 इन दिस फ्रॉम दिस लिस्ट। आज से पहले तक लोगों को जो होता था कि आपके सेविंग जो एसेट्स हैं वो मोस्ट कॉमन जो है वो आपके एक तो लैंड रियल स्टेट है, और उसके अलावा गोल्ड आ जाते हैं, और अब जो एक नए ट्रेंड में स्टॉक मार्केट के भी हो रहे हैं। तो इसमें पर्टिकुलर जो स्लाइड है इसमें मैं शेयर करूंगा कि गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन ओवर द लास्ट पीरियड ऑफ ईयर 5 ईयर्स में उन्होंने कैसे फ्लक्चुएट किया। सो इन दिस चार्ट इफ़ यू सी द कंपैरिजन बिटवीन गोल्ड एंड द बिटकॉइन ओवर द लास्ट 8 ईयर्स, तो इस डेटा के मुताबिक जो अप्रैल 12, 2021 है, गोल्ड की प्राइस में +27.48% लास्ट 8 ईयर में इंक्रीज आया है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट बिटकॉइन, द बिटकॉइन में प्राइस में जो इंक्रीज आया है वो 50,582%। इट्स अ ह्यूज 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 इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बिटकॉइन, जिस वक्त ये ऑलमोस्ट 65,000 के करीब गया हुआ था, और डेफिनेटली अभी थोड़ा सा इसमें डिप आया हुआ है। लेकिन अगर अगेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप बात करें कि स्टॉक मार्केट या गोल्ड के इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्गर रन आपको कौन सा प्रॉफिट देता है, तो आपके सामने कंपैरिजन है लास्ट 8 ईयर्स का, कि जिसमें बिटकॉइन इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन कंपैरेटिवली टू गोल्ड इन मैसिव 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 मार्जिन, लाइक 50,000+% इंक्रीज इन कंपैरिजन टू 27%। सो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि जिन लोगों ने आज से 8 साल पहले गोल्ड में इन्वेस्ट किया था उनको सिर्फ प्रॉफिट 27% हुआ है, और जिन लोगों ने बिटकॉइन में किया होगा उनको 50,000% प्रॉफिट हो चुका है। सो ये तो एक बेसिक सी मैंने आउटलाइन दे दी कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, जिसको मैं क्विकली 1-2 मिनट में दोबारा बता देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में इस वक्त ना तो बैंड है ना तो इलीगल है, लेकिन लीगलाइज नहीं हुई, तो इस चीज़ का फ़र्क आप समझे कि इलीगल और लीगल चीज़ में क्या फ़र्क है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू टोटल अलाउएबल है, इसमें एक पार्ट होता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर जिसमें फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं, जो सट्टा होता है
कि आपने ये प्रिडिक्ट करना होता है कि आप कॉइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उसमें आपको मल्टीपल 5x 10x प्रॉफिट मिलता है, वो हराम है। लेकिन इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो बिल्कुल हलाल है, बिकॉज इट्स अ बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स हैं जिनको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, ऑलमोस्ट 10,000 हैं, और जो बिटकॉइन उसमें डोमिनेंट है, इथेरियम सेकेंड नंबर पर है, एंड देन अगेन फर्दर गोइंग अप टू कि इसमें स्टेबल और अनस्टेबल कॉइन है या डिफरेंट कॉइन्स हैं। तो स्टेबल कॉइन के अंदर हम उनको परचेज करके उससे ट्रेडिंग करते हैं, और अनस्टेबल कॉइन जो हैं जिस तरह बिटकॉइन एथेरियम है, क्योंकि इनकी प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, स्टेबल कॉइन की प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होती, बिकॉज वन स्टेबल कॉइन इज इक्वल टू 1 USD डॉलर। ओके, लोगों को ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि यार हाँ हम ट्रेड करना चाहते हैं क्रिप्टो में, या हमें कोई इसके शेयर्स लेने हैं या बिटकॉइन लेना है, लेकिन उनको बिल्कुल नहीं आइडिया कि उन्होंने लेना कहाँ से, फ्रॉम वेयर टू बिगिन। सो दिस वीडियो इज पर्टिकुलर फॉर दोज पीपल हु हैव जीरो नॉलेज अबाउट द क्रिप्टो करेंसी, सो वेयर टू बिगिन। सो बिफोर आई डिग इन टू दैट थिंग कि आपने करना कैसे है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका वॉलेट, एक होता है आपका एक्सचेंज। वॉलेट बेसिकली आप इसी तरह समझ लें कि आपके एक जेब के अंदर वॉलेट पड़ा हुआ है, आपके उसके अंदर पैसे पड़े हुए हैं, और आपने वो पैसे लेके एक्सचेंज में जाना है, मतलब कि मार्केट में जाना है, वहाँ जाके आपने परचेसिंग करनी है जितने भी रेट पे आप उसको खरीदना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि वॉलेट्स की टाइप्स क्या हैं। देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। उसमें जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है मोबाइल वॉलेट्स होते हैं, कोल्ड या हॉट वॉलेट्स हैं, और उसके बाद हार्डवेयर वॉलेट्स आ रहे हैं जो USB की फॉर्म में होते हैं। आप लैपटॉप के साथ अटैच करें, आपका सारा जो एसेट्स हैं वो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यूजली जो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम होती है, एग्जाम्पल मी, तो वो हम उसको मोबाइल वॉलेट में या फिर कोल्ड या हॉट वॉलेट में ही उनको रखते हैं, उनको हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफर नहीं करते। ओके, नाउ गोइंग फर्दर ऑन द एक्सचेंज, देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट एक्सचेंज है। मेरा फेवरेट जो है वो बाइनेंस का है। इसके अलावा मैं आपको डिफरेंट एक्सचेंज ऑप्शन अभी दिखाता हूँ। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो बाइनेंस है, वजीर एक्स है, स्टेक क्यूब है, FTX है, देर नेक्सो है, ओएक्स है, पैक्सफुल है, देर आर लॉट ऑफ अदर एक्सचेंज इन द मार्केट। सो अगर आप कॉइन कीको में जाएं और एक्सचेंज देखें, देर आर टोटल 489 एक्सचेंज हैं, और उसमें बाइनेंस ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट एक्सचेंज, वेरी सिक्योर, बिगेस्ट मार्केट। अगर आप इसकी मार्केट वैल्यू भी देखें, ह्यूबाई है, कॉइन बेस है, FTX हैं, तो कुछ जो एक्सचेंज है कुछ कंट्रीज में चलते हैं, कुछ में नहीं चलते हैं, कुछ में वेरीफिकेशन का मसला आ जाता है। तो बेसिकली जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके लिए बाइनेंस इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, एंड सेकंड नंबर पे FTX हैं। ये दो एक्सचेंज सबसे अच्छे हैं जो सिक्योर हैं, जहाँ पे आपको पता है कि कंपनीज भागेंगी नहीं, और अगर आप इनका ओवरऑल देखें वॉल्यूम तो दे आर क्वाइट बिग, 20 बिलियन डॉलर्स की कंपनी है, तो दे आर क्वाइट बिग। एंड ओके जी, सो वॉलेट और एक्सचेंज की बात हो गई है। वॉलेट को मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपके पैसे पॉकेट में पड़े हुए हैं, जहाँ से आप लेके एक्सचेंज में जाएंगे, एक्सचेंज में जाके आप परचेसिंग करेंगे, वो आप किसी भी एक्सचेंज में जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया है कि आप बाइनेंस में चले जाएं, FTX में चले जाएं, जहाँ पे भी आपने जाना है जो आपको सूट करता है, बाइनेंस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन। वहाँ जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी आप उनको परचेज कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन के बाइनेंस का अकाउंट और उसको वेरीफाई कैसे करना, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट स्टेप टू बिगिन विद द क्रिप्टो करेंसी। इवन जो आपका वॉलेट है, जिसके बारे में भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह कि आपने बाइनेंस पे जाना है, अपना अकाउंट बनाना है और उसको वेरीफाई करना है। इसके लिए अलग से मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पड़ी है, एंड स्पीकिंग अबाउट माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर ट्रेंड के नाम से, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, सो मेक श्योर यू ज्वाइन माई चैनल। उसमें बेसिक सारे यही है कि स्टेप्स हैं कि आपने कैसे क्रिप्टो के अंदर आना है एंड हाउ यू कैन डू द ट्रेडिंग। सो गो देयर, उसमें बाइनेंस अकाउंट की स्टेप वाइज वीडियो है, जिसमें फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड कि आपने वेरीफाई कैसे करना है, उसमें ईच एंड एवरी स्टेप इज गिवन। सो मेक श्योर यू गो देयर, मेक योर बाइनेंस अकाउंट, वेरीफाई द अकाउंट, वेरीफाई, वेरीफिकेशन के बगैर अगर उसके अंदर पैसे पड़े हैं तो बाइनेंस उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप उसमें ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते। मेक श्योर कि आपके बाइनेंस का अकाउंट हो और उसमें आप वेरीफाई करें। सेकंड थिंग विच आई स्पोक अबाउट वॉलेट, वॉलेट के अंदर जो मोस्ट कॉमन है मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, माय फेवरेट वन इज मेटामास्क। मेटामास्क के अंदर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आपने ये जो वॉलेट है कैसे डाउनलोड करना है और इसको क्रोम में आपने कैसे ऐड करना है। अगर मैं आपको इसको अपने ही क्रोम में दिखाऊँ तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं फॉक्स का एक आइकन बना हुआ है, ये मेरा मेटामास्क का जो वॉलेट है इसके साथ सिंकलराइज हुआ हुआ है। सो मेक श्योर कि आपके जो भी इसका पासवर्ड है, जो आपको इसको सीक्रेट की देते हैं, उसको आप किसी तरह सेव करके रख लें उसकी तस्वीर लेके, बिकॉज इसके अंदर अगर आपका पासवर्ड गुम जाता है, आपका क्रोम यहाँ से डिलीट हो जाता है, उस की के बगैर आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। तो आपके वॉलेट में जो पैसे पड़े हैं, यू विल लूज़
दैट मनी, आई एम गोइंग टू रिपीट दैट थिंग, यू विल लूज़ योर मनी इन द वॉलेट अगर आप इसके जो सीक्रेट की शुरू में 15 वर्ड्स का बताएंगे उसको किसी सिक्योर जगह सेफ नहीं कर लेते। सो मेक श्योर कि आप मेरी वीडियोज़ इसमें देखें, मेटामास्क के अंदर आपने अकाउंट कैसे बनाना है और इसको कैसे आपने क्रोम के एक्सटेंशन ऐड करनी है और इसको इसमें ब्लॉकचेन जो है आपका बाइनेंस स्मार्ट चेन का है आपने इसको कैसे ऐड करना है, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप आपका क्या हो गया कि आपने बाइनेंस के अंदर कैसे अपना अकाउंट बनाना है, उसको वेरीफाई कैसे करना है। सो मेक श्योर यू डू दिस थिंग एंड दिस आर टोटल फ्री एंड यू डोंट हैव टू पे एनी थिंग देयर। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका बाइनेंस का अकाउंट बन गया है, वो वेरीफाई हो गया है, आपके पास मेटामास्क का वॉलेट जो है वो एक्सटेंशन में ऐड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू बाय द स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स का मतलब ये है कि आपने USDT या फिर BUSD कैसे परचेज करना है। तो उसके लिए हम जाते हैं अपने बाइनेंस की वेबसाइट पे। बाइनेंस की वेबसाइट पे जाके सबसे पहले ऑप्शन है बाय नाउ। अगर आप बाय नाउ यहाँ पे करते हैं तो इसके बाद आपको ये एक लिंक ओपन करके दे देगा जिसके अंदर आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू अपनी परचेजिंग कर सकते हैं। सो से फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे है एंटर अमाउंट आप कितनी डॉलर से ख़रीदना चाहते हैं और कौन सी क्रिप्टो आप खरीदना चाहते हैं, तो आई विल हाईली 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 रिकमेंड कि आप हमेशा स्टेबल कॉइन ही परचेज करें। द रीज़न बिहाइंड कि आपको एग्जांपल में दे देता हूँ कि अगर आपने BTC बिटकॉइन जो है अभी $1,000 का आपने परचेस किया, नेक्स्ट एक घंटे के अंदर दो घंटे के अंदर कोई ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ आती है कि उसकी मार्केट ड्रॉप कर जाती है, तो आपका $1,000 वहीं से $800-900 पे चेंज हो जाएगा, मतलब ड्रॉप कर जाएगा। तो आपने हमेशा स्टेबल कॉइन में करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं $1,000 परचेस करना चाहता हूँ तो मुझे जो होगा वो रिसीव इसके 1006.6, अभी USD थोड़ा सा हाई है, यूजली फ्लक्चुएट करती है, 97-98 भी करते हैं, लेकिन अगर आप इसकी फीस भी करें तो यूजली 79-80 डॉलर्स आपको मिलेंगे। बट द पॉइंट इज़ हेयर कि जो पाकिस्तान के आपके डेबिट कार्ड्स हैं वो अलाउ नहीं करते क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग परचेसिंग करने के लिए। तो इसके लिए दूसरा तरीका क्या है कि आप पाकिस्तान में अगर रहते हैं, अगर तो आप किसी ऐसी कंट्रीज़ में हैं जहाँ पे क्रिप्टो लीगलाइज है, तो डेफिनेटली आप अपने डेबिट कार्ड से या मास्टर कार्ड से आप परचेसिंग डायरेक्टली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन दुबई, इन इंडिया, इन UK, सिंगापुर, आप वहाँ पे डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर इन पाकिस्तान तो आप अपना कोई भी डेबिट कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो उसका एक ये तरीका है कि आपने P2P शेयरिंग में जाना है और P2P शेयरिंग में जाके आपने वहाँ से परचेसिंग करनी है। सो अगर आप वॉलेट के ऑप्शन में ही जाएंगे, ये डिफरेंट वॉलेट है, जो आपका मेटामास्क का वॉलेट था वो डिफरेंट था, ये क्रिप्टो बाइनेंस का ये अपना वॉलेट है। सो P2P शेयरिंग में आप जाएँ, P2Me, पर्सन टू पर्सन और पीयर टू पीयर शेयरिंग है इसमें। इसमें आपने जाने के बाद यू विल गेट मल्टीपल ऑप्शंस, जिसमें पाकिस्तान में रहने के ये कि आप किसी को भी जैस कैश के थ्रू या इजी पैसे के थ्रू या बैंक ट्रांसफ़र करके उसके अकाउंट में पैसे भेज देंगे और वो वहाँ से आपको उतने ही इक्विवेलेंट अमाउंट में क्रिप्टो करेंसी जो है USDT में आपको दे देगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव पड़ता है, इन अ वे कि फॉर एग्जांपल अगर आज जो $1 है 165-163 डॉलर्स का चल रहा है तो वो आपको माइट बी 170-169-168 का आपको देगा। लेकिन उसमें फ़ायदा ये होता है कि सिक्योर सिस्टम है ये, और इसमें बाइनेंस आपकी अपनी इंश्योरेंस एज ए थर्ड पार्टी लेता है कि आपके पैसे इसमें ज़ाया ना हो। सो फॉर एग्जांपल P2P ट्रेडिंग आप यहाँ पे जाएं। और इसके अलावा एक और ये तरीका है कि आप ईमेल एड्रेस के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू सेंड क्रिप्टो टू एनीवन, सो मैंने आप सेंड के ऑप्शन में जाएं, यहाँ पे सिंपल उसका ईमेल एड्रेस लिखें जिस भी बंदे को आपने भेजने हैं और यहाँ से आप पैसे डायरेक्टली भेज सकते हैं। और इसके अलावा ओके, अगर आप P2P ट्रेडिंग में वैसे जाएं और USDT में लिखें और यहाँ पे जाके आप इसको बाय करें, तो बाय करने के ऑप्शन में जाने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा जो डीलर्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे, जिसमें एक डिफरेंट ऑप्शंस है कि आप उसमें देख लें कि पेमेंट मेथड आपने उनको कैसे पे करना है। सो अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, तो आप बैंक ट्रांसफ़र यूज़ कर सकते हैं, ईजी पैसा यूज़ कर सकते हैं, जैस कैश है, UPS है, कैश डिपॉजिट टू द बैंक डायरेक्टली है, और देर आर लॉट ऑफ द डिफरेंट ऑप्शंस। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिसमें आप बैंक ट्रांसफ़र या इजी पैसा जैस कैश बेहतर है। और आप ये देखें कि ये भी डिफरेंट जो सेलर्स हैं ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, और अगर USD की इस वक्त करंट में आपको कीमत बताता हूँ, सो अगर आप अभी अगर देखें तो 1 USD इज इक्वल टू 164.29, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो 169.45 पे आपको सेल कर रहे हैं, और इनका भी अवेलेबल है कि $500 अवेलेबल हैं, लिमिट इसकी एटलीस्ट $84,000 का ऑर्डर होना चाहिए, बैंक ट्रांसफ़र की इसकी ऑप्शन है, आप यहाँ पे बाय करेंगे, इसके बाद एक डिफरेंट स्टेप्स होंगे उसके थ्रू आप परचेस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपने नोट करना है कि ये जो टिक मार्क आ रहा है ये वेरीफाइड कार है, मीन्स ही इज़ द वेरीफाइड
सेलर ऑफ दी फ्रॉम द बाइनेंस साइड, लेकिन इसकी जो कंप्लीशन रेट है वो 83% है. सो ये कम है. सो इफ़ आई हैव टू परचेज पर्सनली फ्रॉम दिस लिस्ट, तो आई थिंक आई विल चेक फॉर द ऑर्डर नंबर 839 ऑर्डर, 99% कंप्लीशन, 169.4. आई विल नॉट माइंड पेइंग हिम 10 सेंट एक्स्ट्रा, और मैं यहाँ से इस बंदे से परचेज करूँगा डायरेक्टली. लेकिन अगेन आप ये देखें कि एक USD पे आपको ऑलमोस्ट 5 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है. लेकिन इसके अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में और कोई तरीका है नहीं है, तो आपको यही तरीका सेफेस्ट है कि आप इसके थ्रू किसी से भी परचेज कर सकते हैं. सो देर आर ह्यूज नंबर ऑफ लिस्ट, आप इसमें देख लें. लेकिन बट मेक श्योर कि जिसके सबसे ज़्यादा कंप्लीशन ऑर्डर हों और जिसकी जो सेटिस्फेक्शन रेट है स्टार्स हैं जिस तरह ऊबर और करीम के होते हैं, तो मेक श्योर कि ये बंदा लीजिट है कि जिसे आप परचेज़ करने हैं, वरना स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं, ये लोग पैसे लेके भाग जाते हैं. सो आइदर फेस टू फेस आप ट्रांसफ़र करें किसी के साथ जानने वाला, बेहतर है किसी जानने वाले से ले लें, नहीं लेना तो दिस इज़ दी सेफेस्ट मेथड फ्रॉम P2P शेयरिंग. और इन्होंने अपना बताया हुआ है कि लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन फीस है, फ्लेक्सीबल पेमेंट मैथड है, ट्रेड एट योर प्रेफर्ड प्राइस, प्रोटेक्शन फॉर योर प्राइवेसी. सो देर आर फ्यू एडवांटेज ऑफ P2P शेयरिंग. ओके, ये इस पर हमने बात कर लिया है हाउ टू बाय द स्टेबल कॉइन्स एंड द सेफेस्ट मैथड टू बाय क्रिप्टो स्टेबल कॉइन USDT और BUSD. सो मोर प्रेफरेबली मैथड इज P2P फ्रॉम ईजी जैज कैश और बैंक ट्रांसफर, जो भी मैथड है, मेक श्योर कि आप यहीं से परचेज़ करें. अगर आप किसी और कंट्री में हैं जहाँ पे आपका डेबिट कार्ड यूज़ हो सकता है क्रिप्टो के लिए, सो गो फॉर डैट. वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या लोगों का एक होता है कि कैन यू लूज मनी इन क्रिप्टो. राइट नाउ इफ आई विल आंसर, आई विल से नो, यू कैन नॉट लूज मनी इन क्रिप्टो अंडर द कंडीशन. दो कंडीशन हैं, एक अगर आपके अंदर पेशेंस है, सेकेंड आपने क्रिप्टो का बेसिक नॉलेज लिया हुआ है बिफोर इसमें इन्वेस्टमेंट के, तो आप अपना पैसा इसमें लूज़ नहीं करेंगे. अगर मैं एग्जांपल इसके देता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैंने ये घड़ी ली है 1 लाख रुपए की, से फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख की मैंने घड़ी ली है, मुझे आके कोई दूसरा बंदा कहता है कि आप मुझे 80,000 की दे देंगे, आप देंगे? आप कभी भी नहीं देंगे. अनटिल अनलेस इफ़ यू वॉन्ट टू सेल इट, तो आप देखेंगे कि आपको उसका अच्छा बायर मिले जो आपको 1,10,000 या 20,000 दे रहे हैं, आप उसको सेल आउट कर देंगे. सेम गोज विद द क्रिप्टो करेंसी. आज मैंने एक बिटकॉइन या से ADA कार्डोना की एक क्रिप्टो है जो मैंने परचेज की है $2.5 की. $2.5 के बाद मार्केट उसकी ड्रॉप कर जाती है बिकॉज ऑफ फंडामेंटल न्यूज़ या वट एवर द रीज़न इज़. वो 2.5 के बाद अगर ड्रॉप करके $2 पे भी चली जाती है, मैं उसको होल्ड कर लूँगा. डैट इज़ माई एसेट, डैट इज़ माई प्रॉपर्टी, तो मैं उसको तब तक सेल आउट नहीं करूँगा जब तक या तो मेरा उस पर लगा हुआ पैसा वापस ना आ जाए या फिर मुझे उस पर प्रॉफिट ना हो. सो अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप इसके अंदर कभी भी पैसा लूज़ नहीं कर सकते. नाउ सेकेंड पार्ट इज़ कि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट या क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी या बंद हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगा. आई कैन गिव यू गारंटी अबाउट दिस थिंग कि $2 trillion की मार्केट है, ये कहीं पे भी नहीं जाने वाली. एक ट्रांजेक्शन फेस आ रही है कि जिसमें आपके जो फिज़िकल मनी है वहाँ से आपकी डिजिटल करेंसी में एक पूरी दुनिया कन्वर्ट हो रही है. इट विल टेक टाइम डेफिनेटली, लेकिन सूनर और लेटर अभी बहुत से कंट्रीज़ में एल सल्वाडोर, मेक्सिको, हंगरी, इन कंट्रीज़ में इसको लीगलाइज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एशिया के अंदर इंडिया में लीगलाइज हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी. तो ये क्रिप्टो करेंसी कहीं पर भी जाने वाली नहीं है. अगर आप इसमें आज आपका पैसा लगे तो कहीं पर भी नहीं जाएगी. हाँ, अनटिल अनलेस कोई एक्सचेंज ऐसा है कि जिस एक्सचेंज में आप ट्रेड करें और वो पूरी एक्सचेंज ही बंद हो जाए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाइनेंस, नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट FTX, दे आर गुड एक्सचेंज. लेकिन अगर कोई थर्ड क्लास किस्म की कोई एक्सचेंज है वो बंद हो जाए, तो आपका अपना पर्सनल जो पैसे उसमें इन्वेस्ट हैं वो डूब सकते हैं. लेकिन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट, इट्स नॉट गोइंग एनी वेयर. ओके, द लास्ट टॉपिक ऑफ माई वीडियो इज़ कि आपने अपना पोर्टफोलियो मैनेज कैसे करना है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विच मनी टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू डिवाइड इन योर क्रिप्टो करेंसी. सो बेसिकली अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक बंदा है, अगर मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं 1 लाख रुपया कमाता हूँ और मेरे महीने का जो मेरा एक्सपेंस है या मेरे घर का एक्सपेंस है वो तकरीबन 60,000 है, तो मेरे 40,000 मेरे पास सेविंग है. उस 40,000 सेविंग में से भी 20% आपसे हैं कि आपको इंस्टेंट कहीं ना कहीं पर आपको यूज़ उनका आ सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गमी खुशी होगी, कोई परचेजिंग करनी पड़ेगी, कोई नया मोबाइल लेना पड़ गया, कोई शॉपिंग करनी पड़ेगी, कुछ और हो गया, किसी को उधार देना पड़ गया, तो वो उस 40% जो आपकी सेविंग है उनमें से आप 20% भी उसको अलहदा कर दें. बाकी जो 20% है जो आप यूँ समझ लें कि बिल्कुल वो पैसा है कि जो अगर आपका खुदा ना खास्ता डूब भी जाता है या ज़ाया भी हो जाता है या फिर कहीं पर स्टक हो जाता है,
तो आपको इमिजिएटली 1 साल 2 साल के अंदर उसके पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो वो पैसा आप हमेशा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। आई हैव सीन मल्टीपल पीपल जो जिनको लगता है यार क्रिप्टो में, जिस तरह मैं शुरू में बता रहा था कि पोर्टफोलियो पे मैंने 2.5-3 लाख रुपया लगा के अगर 2 लाख इस पर मैंने कमा लिया तो वो कहेंगे हाँ यार ये तो बड़ा अच्छा सीन है। वो अपने सोना बेच के, मकान बेच के, घर बेच के सारा पैसा क्रिप्टो पर लगा देंगे। अगर खुदा ना हस्ता कल को ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ आती है कि मार्केट बैठ जाती है और उनको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो उनको अपने एसेट्स नुकसान में बेचने पड़ेंगे। सो मेक श्योर कि अगर आप अपनी जो एक बेसिक इन्वेस्टमेंट है उस बेसिक इन्वेस्टमेंट का भी 50% इस क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें और ऐसे इन्वेस्ट करें कि वो अगले कम से कम 3 से 5 साल के लिए आपको ज़रूरत ना हो। आई कैन गारंटी यू कि यू कैन मेक वेरी वेरी गुड एंड डिसेंट मनी इन द नेक्स्ट अपकमिंग 3 to 5 years ऑन डैट बेसिक सेविंग। एक और बात आ जाती है कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग की टाइप्स क्या है उसमें डिफरेंट है। इंट्राडे ट्रेडिंग है, आपकी स्कैल्पिंग है, आपकी स्विंग ट्रेड्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और होल्डर जिसको कहते हैं, होल्ड ऑन योर डियर लाइफ। सो इंट्राडे मतलब ये है कि आपने आज ही परचेज़ किया कोई एसेट, उसको कल परसों तक देखा, 2-3 दिन में मार्केट उसकी इंक्रीज जा रही है, सेल आउट करके प्रॉफिट लेके अपना बेसिक जो स्टेबल कॉइन है उसमें आप वापस आ गए। एग्जांपल दोबारा आसान लफ्ज़ों में देता हूँ कि कार्डोना मैंने परचेज़ किया, ADA मैंने किया, ADA की प्राइस जो थी वो पिछले हफ्ते $2 थी, मैंने उसको $100 का परचेज़ कर लिया, आज उसकी प्राइस $2.5 पे गई है, मुझे नज़र आ रहा है 50 सेंट प्रॉफिट हो रहा है मुझे एक कार्डोना पे। मेरे पास 100 कार्डोना थे या जितने भी थे, मैंने उनको सेल आउट किया, मैंने उसका 50% प्रॉफिट लिया और स्टेबल कॉइन पे दोबारा वापस आ गया। स्टेबल कॉइन मतलब USDT और BUSD। अच्छा ये तो एक होगी इंट्राडे ट्रेडिंग होगी। उसके बाद स्कैल्पिंग क्या होती है कि एक दिन में मल्टीपल आप स्कैल्प करते हैं, 5-10 डिफरेंट स्कैल्प्स करते हैं। आपने सुबह के टाइम खरीदा, एक एसेट खरीदा, उसको 3-4 घंटे के लिए देखा, 5 घंटे के बाद सेल आउट करके नेक्स्ट पे चले गए, नेक्स्ट ट्रेड की, नेक्स्ट ट्रेड की। तो एक दिन में आप 5-6 ट्रेड्स करते हैं, 10 ट्रेड, अप टू द पर्सन के आपके पास कितना टाइम है, तो आप उस पर ट्रेडिंग करके यू कैन मेक प्रॉफिट ऑन दोज ट्रेड्स। नेक्स्ट टाइप आ जाती है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड्स के आपने आज एक ट्रेड खरीद ली, एक एसेट खरीद लिया कोई भी क्रिप्टो करेंसी का, आप उसका वेट करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर 1 महीने के अंदर आपको जब डिसेंट प्रॉफिट देते हैं, आपके अपनी ये लालच भी होता है कि आप कितनी लालच करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एसेट मुझे लगता है पर्सनली स्पीकिंग के पर्सनली मुझे लगता है कि अगर एक एसेट मुझे 50-60% प्रॉफिट दे रहा है तो मैं उसको वहीं पे सेल आउट करके तो मैं अपना प्रॉफिट लेके उसको स्टेबल कॉइन में दोबारा कन्वर्ट करके कोई अगली क्रिप्टो करेंसी देखता हूँ कि जिसमें मुझे दोबारा अगले 1 हफ्ते में 1 महीने के अंदर कोई डिसेंट प्रॉफिट आपको मुझे मिल जाए। लास्ट जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसमें ये है कि आपने हर महीने हर हफ्ते जैसे भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप उस पर पैसे इन्वेस्ट करें और करने के बाद आप उस पर, फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं हर महीने $100 जो है वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूंगा, तो $100 को आप अपना पोर्टफोलियो पर डिवाइड कर लें कि आपने कैसे डिवाइड करना है, आँखें बंद करके मार्केट को देखे बगैर वो जितना भी मार्केट जा रहा है ऊपर है नीचे है जैसे भी आपने $100 इन्वेस्ट कर देने। फॉर एग्जांपल $20 बिटकॉइन में, $20 इथेरियम में, $20 आपने कार्डोना ADA में और बाकी आपके $40 रह गए तो उनमें से आप 10 स्टेबल में रख सकते हैं और बाकी जो $20-30 हैं किसी और 2-3 क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द सेफेस्ट मेथड फॉर दोज पीपल जिनके पास टाइम नहीं है या फिर जिनको ट्रेडिंग अच्छी तरह नहीं आती, तो वो उनको उनके लिए हाईली रिकमेंडेड यही है कि आप अपना एक डिसेंट सा पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें मेरी एक वीडियो यूट्यूब चैनल में बनी हुई है कि अगर आपके पास $1,000 हैं तो आपने अपने पोर्टफोलियो को कैसे डिवाइड करना है और कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप उनमें इन्वेस्ट करें और हर महीने हर 2 महीने बाद आप जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं आप करते जाएं। एंड इसको कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज कहते हैं। तो आप लॉन्ग टर्म में जब आप देखेंगे तो आपके एक अच्छे भले पैसे भी जमा हो जाएंगे और उसके बाद जितनी भी वो करेंसी बढ़ रही होगी, सॉरी जितनी भी वो टोकन की परसेंटेज बढ़ रही होगी, आपको उतना प्रॉफिट भी इंक्रीज होता जाएगा। विच टाइप ऑफ ट्रेडर आई एम बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडर। थोड़ा सा जॉब मेरी ऐसी है कि मुझे टाइम मिल जाता है ट्रेडिंग का, आई कैन यूज़ लॉट ऑफ स्टफ़ ऑन माई मोबाइल, मैं टेक्निकल एनालिसिस खुद कर लेता हूँ तो जिसमें यह कि मैं स्कैल्पिंग भी कर लेता हूँ, यूजली कम करता हूँ स्कैल्पिंग बट मोर लाइकली आई डू इंट्राडे स्कैल्पिंग एंड स्विंग ट्रेड्स के जिसमें मुझे लगा है कि किसी टोकन के आज शेयर्स ड्रॉप किए हैं तो उसको परचेस करके 1 हफ्ते के लिए 1.5 हफ्ते के लिए होल्ड करके जब एक डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा हो तो उसको डिसेंट प्रॉफिट में परचेस करके दोबारा फिर एक नए प्रोजेक्ट में मैं उसको इन्वेस्ट कर लेता। सो दिस वॉज द होल थिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव 0 आइडिया फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड
स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स। सो बेसिकली अगेन मैं आपको एक बड़ा शॉर्ट बता दूँ, ओवरव्यू दे दूँ पूरी वीडियो का, कि आपने सबसे पहले बाइनेंस पे अपना अकाउंट बनाना है, उसको आपने वेरीफाई करना है। अगर आपके पास शिनाख्ती कार्ड है उर्दू का, उस पर वेरीफाई नहीं होगा। इंग्लिश का पासपोर्ट होना चाहिए या पासपोर्ट सॉरी इंग्लिश का आईडी कार्ड होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए, उस पर आपका बाइनेंस का अकाउंट वेरीफाई होगा। वेरीफाई अगर मैं आपको दिखा भी दूँ कि बाइनेंस का अकाउंट ये मेरा बना हुआ है और मैं अगर इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपको ये वेरीफाइड नज़र आ रहा है, तो मेक श्योर कि आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा, तब भी बाइनेंस एक्सचेंज आपके पैसे की जिम्मेदारी लेगा। और उसके बाद आपने ये करना है कि आपने आइदर अगर आपके कंट्रीज़ में लीगलाइज है तो बाय नाउ करके आप अपने डेबिट कार्ड मास्टर कार्ड से परचेज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है और आप इसके बाद अपनी पी टू पी शेयरिंग में जाएं, पी टू पी में USDT है, यहाँ पे जाके आप इसको बाय करें। बाय करने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर रीजन। अगर मैं जिस तरह भी पाकिस्तान में करंटली हूँ तो आपको ये डिफरेंट बता देगा कि आपने अमाउंट कैसे परचेज़ कर, कैसे किस अमाउंट में आप देखना चाह रहे हैं उसको। PKR में आ रहा है, ऑल पेमेंट्स हैं, ऑल पेमेंट्स में जाके डिफरेंट मोड ऑफ मैथड्स हैं, ईजी पैसा, जैस कैश है, वो है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप ये देखें, ये आज़म खान, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीजिट डीलर के, जिसके पास 1000+ ऑर्डर्स कम्प्लीट हुए हैं, 98% कम्प्लीशन रेट है और इसका रेट 169.49 है। आपको एक्सपेंसिव मिलेगा मार्केट से, लेकिन एटलीस्ट ये कि इसमें आपका स्कैम नहीं होगा आपके पास। सो इसके बाद आपके पास USDT आ गए। USDT आने के बाद आप यहाँ पे एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद जो भी क्रिप्टो आप ट्रेड करना चाहते हैं, बिटकॉइन होगी, इथेरियम हो गया, या कार्डोन है, या जो भी हो गया, आप यहाँ पे उसको लिखेंगे। उसके बाद उसकी सिंपल यहाँ से परचेसिंग आप कर सकते हैं। आपने कैसे परचेज़ करना है, कैसे करना है, इसकी डिफरेंट वीडियोस बनी हुई हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, सो मेक श्योर आप वहाँ पे जाएं और उन वीडियोस को भी देख लें। और देखने के बाद आप ये करेंगे कि आप एक्सचेंज ही में पड़े रहें। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, डजेंट मैटर, अगर आप यहीं से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं मेटामास्क के वॉलेट में, तो वो थोड़ी सी फ़ीस लगती है जिसको गैस फीस कहते हैं, लेकिन आपके वॉलेट में जाके ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। इन केस के अगर आपकी बाइनेंस कल को बंद भी हो जाती है, हैक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपके पैसे एटलीस्ट सेव रहेंगे। लेकिन आई डोंट थिंक सो, बाइनेंस इज़ अ वेरी गुड एक्सचेंज। लोगों के पैसे यहीं पे पड़े हुए हैं, मेरे जितने भी सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, वो यहीं पे है। और आई थिंक आई हैव इन डिटेल्ड आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। लेकिन अगर अभी भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कुछ हो रहा है, तो आप YouTube की वीडियो के ही नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में WhatsApp का मेरा ग्रुप है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर मैं सिग्नल्स भी देता हूँ कि किस कॉइन को परचेज़ करना चाहिए, कुछ और कोई स्टोरीज हैं वहाँ पे भी वो शेयर करते हैं जो एक फंडामेंटल न्यूज़ चल रही होती है। सो मेक श्योर यू ज्वाइन माई WhatsApp चैनल, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूँ यू विल गेट द नोटिफिकेशन। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लीव इन द कमेंट बॉक्स, अगर उस पर ही मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा, नहीं है तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना के जैसे भी होगा आप लोगों की मदद करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सो क्रिप्टो करेंसी इज़ द न्यू जनरेशन डिजिटल करेंसी, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। यू कैन मेक मनी फ्रॉम इट, येस यू कैन। हाउ मच? अ लॉट। आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल हु हैव मेड गुड डिसेंट मनी इन जस्ट लेस देन 2 मंथ्स, और आई स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच। बट अगेन प्लीज़ मुझे देख के एकदम इन्वेस्ट ना करना, पहले इसको समझें, बेसिक समझें, मे बी $100-200 इन्वेस्ट करें, उसकी ट्रेडिंग करें, ज़रा समझें कि सिस्टम क्या है, आपने परचेसिंग कैसे करनी है, पैसे निकालने कैसे हैं। और एक बात शायद मैं मिस कर रहा था कि पैसे आपने निकालने कैसे हैं, उसका भी यही तरीका है कि यू गो देयर, यू वांट टू सेल, आप उस सेल ऑर्डर लगाएं कि मैं बेचना चाह रहा हूँ, आप $170 का बेचें, आपके एसेट आप जितने मर्जी का बेचें, वो आप इस तरह आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, आपको जैस कैश कर देंगे। डेट्स हाउ यू कैन टेक योर प्रॉफिट और यू कैन सेल योर ओन क्रिप्टो करेंसी। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लीव इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो। सो जब तक मैं वीडियो बना रहा था, ये बिल्लियाँ मेरी जो है वो लड़ती जा रही हैं आपस में, अभी So this was the reason I was getting distracted during the video. the cats, they were having the cat fight. Anyways, love, peace and care. Take care of yourself. Bye.